মিডিয়া যদি না থাকে তাহলে বাদলপালের হাসপাতালে কি হচ্ছে খবর কে দেবে তো চলবে কিভাবে টাকা ইনকাম করব গাড়ি বাড়ি করব এটা নিয়ে বিশেষ ভাবি আর কি কিন্তু মিটার 20 কিলোমিটার বাইরে যে কেউ কি কোন বিমার পড়বে তো আমার অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার আগে ফ্রি আনবে अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन में जाता हूँ और अमिताभ बच्चन जी मुझे बड़े बड़े भोपू लोगों के बीच में हमको नमस्कार हम राजकीय श्रमा तो अपना देखें अपना तो प्रिय चैनल ऑल इन ऑन बोकारो तो आज के हम ऐसे ची सही बुढ़ी बिनोर सियालजूर प्लांट के सामने ये एक साइड देखा पाचो जीटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इनर जो ओनर बादल पाल जे पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा साथ असम जे एक जनप्रिय शिली बादल पालर ये हे हॉस्पिटल ओनर अच्छे तो ये आज के ओपनिंग सेरेमनी बटे तार साथे साथे आज जे किछु होबे एखाने आज सब किछु भिडियो देखा पाबे चलो चैनल बने थाको चैनल नतुन आज चैनल सब्सक्राइब कर देबे और काजल माथुर जी और तमाम हमारे चिप्स केसेस के कार्यकर्ता और साथ हमारे इस बुजुर्ग नहीं चंदन के रिपोर्टन नहीं पूरे झारखंड से पूरे बंगाल से हमारे चाहने वाले हमारे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजन के साथ हमारे बड़े बुजुर्ग सब शामिल हुए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं भी बहुत धन्य हूँ आज का ये समय और अच्छे समय को उठाकर एक बार मैं अपना माइक कुछ इस हॉस्पिटल के बारे में बोलने के लिए अपने क्षेत्रीय भाषा में कोई हिंदी और इंग्लिश नहीं क्षेत्रीय भाषा हम लोग समझते हैं तो हम हमारे जीपी केएसएस के जयराम लाके ही आशीर्वाद से हुआ झारखंड में जिसके नाम सिरनी का नाम से जाना जाता है एक बार उन सब धन्यवाद हमारी बहन को कि इस कम उम्र में मंच पे खड़े होकर इतने अच्छे बोलते हैं ना और अपने भाषा में मातृभाषा में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं और हमारा भाषा अच्छे मानभूम बांग्ला मैंने झारखंड बांग्ला हमारा एक भाषा के हमारा परिचय तो सारे घर में हमारा परिचय तो बन गई एक बार आप लोगों के सामने हमारी बहन काजल माथुर जी वो सब रखेंगे और उनको आने का मकसद है कि दादा हमारे नहीं आ पाए तो चलिए बता ना कि वो हमीर चलती है इतना अच्छा विचार जो रखा है बहन ने इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया मैं मंच पर बोलना चाहता हूँ काजल माथुर जी को बहुत तालियां बजाएं धन्यवाद सबके पता है कि हमने के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण हुआ है तो हमें बादल दादा के शुक्रिया कहे कि इतना अच्छा काम करे के शुरुआत करल है धन्यवाद है अभी हमारे काजल माधुरी जी मतलब फिल्म प्रिय भी जैसा बनेंगे अगले तो कल जरूर बनेंगे आइए आप
इनके नाम है जयराम का नाम है झारखंड टाइगर और इनका नाम है झारखंड शेरनी। और शेरनी क्यों, इनकी आवाज और इनके विचार को थोड़ा सुनिए तो फिर पता चलेगा। आइए बांग्ला बोला बांग्ला इधर वाला थोड़ा अमित वाला होता है, हम लोग का जो पूरा एकदम राण भाषा होता है ना, जाए चाहे नाच नहीं कर पाता वो उठा जाएगा, ऐसे वाला भाषा है हमारा। मैं ठीक हुई वाला जो तो इतने उपस्थित अच्छो हमारे काका काकी जेठा जेठी ये छोटे छोटे भाई रखे सोभा के हमार एक संगे क्रांतिकारी जोहार और एक ने जे आज बादल दादा और बादल दादर माँ बाबा जे एदेर तो कोनो परिचय मोहताजे नहीं एकटा एतो भलो बेटा जन्म दिएछे जे कि आज समाजे लागि निजेर खून पसीना बहाई पैसा इनकाम करिए ओई पैसा हॉस्पिटल बनालेन तो ओरा तो हमार चरणे छुए जोहार। देखो आजकल तो सबू किस बहुत लोग पैसा इनकाम करें पैसा कमान बहुत लोग के चाकरी करे के जेमन बादल दादा हमारे एखने सिंगर बैठे गाना गायन के गाना गाए बहुत कुछ एक एक तरह से उनका प्रोसेस अच्छे पैसा कमावार किंतु पैसा लेके गए जेमन यूज करे सही यूज करे के मिस यूज करे गलत यूज करे। तो आज यदि बोलबे तो बादल दादा पैसा लेके सही यूज कर लें तब तो आज इतना बड़ा एक एरिया हॉस्पिटल बना लें यानी कि तुम्हारे आस पास में हमारे तो दूर इलाके एक तो हॉस्पिटल नहीं है। तो आज आसमान पर बादल दादा सर ने तुमको गर्भा कर ली तो बादल दादा बोल कि हमारा मकसद अच्छा हॉस्पिटल बना बार ये आस पास जो तो एक 10 किलोमीटर एक 20 किलोमीटर दायरे जो क्यों भी उन्हें बीमार पड़े तो हमारे एम्बुलेंस जाओ आगे फ्री आएंगे जमन की सरकारी एम्बुलेंस करे तो सोचे निजे पसीना बहाई इनकम करे वो पैसे हॉस्पिटल बना और वो पैसे सोचा के फ्री इलाज करा और क्यों ये तक मरीज आसपे पेशेंट आसपे तो हुआ के और जो तो खबर तबर लगे ना सरकारी नाश्ता लगे संध्या वाली नाश्ता देखे दोपहर खबर ये ना बोले जब पेशेंट का खबर हो फ्री तो एक बड़ो विचारधारा समाज सेवा এই জন্য বাদল দাদাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ কেন কি এখানের সময় এত বড় সোচ বিচার পাবলিক সেবা সব বলে কি হম সোশ্যাল সার্ভিস করতে পাবলিক সেবা করতে হ্যাঁ আর পাবলিক সেবা উল্টা নাই হয় যদি পাবলিক সেবা করবি তার বাদে চাকরি হিসাবে তুই পয়সা লবি পাবলিক সেবা তো এই তো হয় যে তুই তোর খুন পাতিলা বহাই পয়সা জমা করবি আর ওই পয়সাটা তুই পাবলিক সেবায় লাগাবি এই তো অসলিয়া তো পাবলিক সেবা হয় আর জরুরি নাই যে पब्लिक सेवा एक ही माध्यम में करा जाए क्यों यदि बाहर सुने रहे छे बाहर भटकी छे तो वहां के जे एक बोतल जल दिबो एक ता सोल दिबो एक ता गमछा दिबो ये ता पब्लिक सेवा नहीं हो। पब्लिक सेवा हो यदि मनुष्य दर दर भटकी छे इलाज अर्जुन ने भटकी छे और इलाज नहीं होते पाछे वहां के सही इलाज दिए एक ता नूतन जीवन दान करा ये तो सबले बड़ा पब्लिक सेवा हो। पब्लिक सेवा बहुत लोग शिक्षा पब्लिक सेवा शिक्षा दें फ्री शिक्षा तो फ्री इलाज दें तो एक जन हमें बालों लगा के बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और एक हमने जो तो जेबी के पैसे कार्यकर्ता आचो आरो भी काका काकी जेठा जेठी जो तो दादा दीदी आचो सुबह के बहुत बहुत धन्यवाद यानी कि तुमरा वो एक हमें बालों लगा सपोर्ट करिए जो तो आज के बाद एक आदमी बनाए चे हॉस्पिटल का सुबह के हमें बहुत बहुत धन्यवाद। और एयरपोर्ट ही हमें बोले हमारे बक्तरटा एखने विराम दीजिए আর একটা চিজ বলতে যাব আপনিয়ে কি যত তোমরা আছো সবাই হামেশা কোশিশ করবে যে আমরা পাবলিক সেবা এমন করব যে কি পাবলিক এ কেউ যদি গরিব ঘরে আছে তোমার মনে ঠেস নাই পৌঁছু ওরকম সেবা করব এটা তো কারো মনে ঠেস নাই পৌঁছি না তো বহুত লোক ইলাজের জন্য জোর জোর করে ভটকেন বহুত লোকে বেহান হয়ে যায় হসপিটাল সরকারি হাসপাতাল যান ডাক্তার নাই থাকে बहुत बहुत मान धन्यवाद जे कि तुम्हारा काबिल समझिला एत बड़ा हॉस्पिटल
तभी तुम्हार खून पसीना बहाय जा रोडे हमने के आज दादा के और हमने के जेपी के सस के जो तो क्रांतिकारी भाई दादा के इखने जगह दिले ये तो बड़ा बड़ा मंत्री के छाने और तो ना बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे धन्यवाद সঙ্গীত করতে করতে হঠাৎ একটা অন্য রাস্তায় চলে যাচ্ছি কেমন লাগছে আজকের মাহল দিদিকে আমি বলবো নিজের ভাষায় উনি হিন্দি বলতে পারেন না বাংলা ভাষা বলেন সেটা আমাদের পুরুলিয়ান ভাই ওনার মাতৃভাষা যেটা সেটা দিয়ে আপনাদেরকে সম্বোধন করবেন আপনারা শুনুন ধন্যবাদ আর আজ বহু ধন্যবাদ দিব আমারে যেতে প্রেস মিডিয়া সে ভাই লোক আয়ে হুয়ে হ্যাঁ झारखंड इलेवन से लेकर ग्रामीण टीवी से लेकर हमारे जितने प्रेस मीडिया दैनिक जागरण हिंदुस्तान आज तक और हमारे यूट्यूबर भाई जरा हमारे नाम रिकॉर्ड करो इंडिया टीवी प्रत्येक जो मीडिया बंधु की हमारे धन्यवाद कारण मीडिया जो भी ना था कि माइक जो भी ना था कि तो 1000 लोग की हमें आवाज तो सुनाते पार पाने মিডিয়া যদি না থাকে তাহলে বাদলপালের হসপিটালে কি হচ্ছে খবর কে দেবে মিডিয়া যদি থাকে বাদলপালের হসপিটালে ভালো কাজ হলে ভালো খবর আর খারাপ কাজ হলে খারাপ খবর আর মিডিয়াদেরকে বলবো আপনারা সাপোর্টে থাকুন আমি যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করব যে কিছু একটা মনে আশা আছে विवेकानंद बोले छो स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि जरूरी नहीं है कि आपको 70 साल जीना है आप 30 साल में ही दुनिया छोड़कर चले जाए मगर एक ऐसा कर्म करके जाए कि लोग 30 साल क्या है 300 साल याद रखे और हमारे मास्टर साहब साधु मास्टर जी प्लीज कम ऑन स्टेज प्रेसिडेंट দিদিকে বলছি মাইক্রোফোন বলে আমার এই হসপিটালের ব্যাপারে কেমন লাগছে আজকে এই মাহাত্ম্য হবে নমস্কার মানে এটা তো বলার কোনো অপেক্ষায় রাখে না কারণ এত সুন্দর উদ্যোগ মানে আমরা সবাই করি টাকা ইনকাম করছি বা আমরা যে যে লাইনে আছি সবাই সংসার কিভাবে চলবে কিভাবে টাকা ইনকাম করবো গাড়ি বাড়ি করবো এটা নিয়ে বিশেষ ভাবি আর কি কিন্তু এই ভাবনার বাইরে যে বাদলদা যেটা ভেবেছে এটা মানে সত্যি অতুলনীয় তাই বিশেষ করে আমরাও ধন্যবাদ জানাই আমি এসছি বিভুল রায়ের ধাম থেকে বাদলদার আমন্ত্রণে আর আপনারা সকলেই বাদলদাকে অবশ্যই সহযোগিতা করবেন যেন এই হসপিটাল আরও অনেক বড় করতে পারে কারণ কারো সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু কিছু করা যায় না আর এই যে উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের দাদা বাদলদা এটা বিশাল ব্যাপার আর আমি চাইবো সেই জন্য দাদা কিনে আবার সবাই মিলে একটা জোর করে হাতে তালি দিয়ে দেবে আর বিশেষ কিছু বলছি না আর মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই কর্তব্য আমরা সবাই চেষ্টা করব যেন আমরা সবার পাশে দাঁড়াতে পারি কারণ সবসময় আমরা কেমন যেন মানে হিংসাতে পরিণত হয়ে যায় কিছু কিছু সময় কিছু কিছু আমরা মানুষ আছি বা টাকা পয়সা বাড়ি দাঁড়িয়ে হয়ে গেলে কেমন একটা অহংকার অনেকের মধ্যেই চলে আসে যে আমি আমার মতো থাকবো কিন্তু বাদলদা যে এটা ভেবেছে মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য হেল্প করার জন্য এটা বিশাল বড় ব্যাপার বিশাল বড় ব্যাপার আমাদের এই লোকগীতি বাউল জগতে থেকে যে এত বড় একটা কাজ করছেন আমাদের বাদলদা মানে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর একবার জোর করে হাতে তালি হয়ে যান আমাদের বাবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ দিদিকে এরপর দিদিকে তো সবাই চিনেন টিভির মাধ্যমে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে যেমন হয়েছে খাওয়া দাওয়া করে তারপর যাবেন কারণ শুধু উদ্ঘাটন না একটু প্রসাদ গ্রহণ করে যেতে হয় দশ লোক যে আয় হুয়ে হ্যাঁ জিনমে সে এক বন্ধে সে আয় হুয়ে হ্যাঁ যে মুভি মে ফায়ার অর মেডিসিন কা কাম করতে হয় বন্ধে সেবা কলাকার আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে আয়ে হ্যাঁ আর
बहुत बड़े कलाकार हैं, मूवी में काम करते हैं, वो भी छोटे मोटे कलाकार के सभी हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक जिनको प्यार भी करता है, वो कलाकार हमारे सामने पहुंच चुके हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं। मैं दादा से आग्रह करूंगा कि हमारे मंच पर आएंगे और एक लाल चम्मच पड़े आते आप लोग मूवी का खुले देखते पड़े ब्रह्मास्त्र शाहरुख खान का जीरो पिक्चर और सत्यमेव जयते जय विक्रम का इसमें भी ये काम किया है। अब हम लोग यूट्यूब खोल करके देख सकते हैं वो कलाकार बॉम्बे से चलकर सिर्फ मेरे लिए धन्यवाद है उनको। मैं बहुत गर्वित हूँ वो कलाकार यहाँ तक पहुंचे हैं उनके लिए धन्यवाद तालियां। अरे अहो भाई के हमारा इतनी बड़े पर्दे के कलाकार अमिताभ बच्चन के फोटो के सिवा हम लोग उनका चेहरा तो कभी सामने नहीं देख सकते हैं, जिनको छोटे भाई की तरह अपने खड़े होकर सामने से गुलाब प्यार करते हैं वो कलाकार हमारे साथ से मैं दो शब्द रखने के लिए आग्रह करूंगा। और विनम्र निवेदन है कि थोड़ी सी खाना की व्यवस्था है, जरूर प्रसाद रूप में वो खाना खा कर यहाँ से जाइएगा। उसके बाद याद रखना और सपोर्ट कीजिएगा सब मिलकर ताकि इस समाज सेवा के अच्छे प्रतिष्ठान को हम चला सके। धन्यवाद दादा आपके लिए क्या है, यहाँ पर बहुत महान आदमी बहुत महान आर्टिस्ट है, इनका नाम मुंबई में सुनकर कर टीवी में यूट्यूब में देखते पर मुझे तो दिल करता था बादल दा से मिलने का। मैं अचानक बादल दा ने मेरे को मेरे एक एल्बम बन रहा है उसमें दुर्गा पूजा में रिलीज होने वाला है, वो गाने पर ज्यादा काम किया उस समय मैंने रिलीज होगा आपने जरूर देखिएगा। उसमें दादा बहुत अच्छा एक्टिंग करके उसमें गाना गाया है और कल अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, वो अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन मैं तो जान ही सकता हूँ क्योंकि कल अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन, मैं हर साल अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन में जाता हूँ और अमिताभ बच्चन जी मुझे बड़े बड़े भोजपुरी लोगों के बीच में हमको बुलाते हैं और स्वागत भी करते हैं, उनका यही मुझे जो स्वभाव है व्यवहार उनको बहुत पसंद लगता है और मुझे तो लगता है कि अमिताभ बच्चन से भी अब बहुत बड़े हैं क्योंकि अब अमिताभ बच्चन से बड़े काम के लिए यहाँ झारखंड में हॉस्पिटल बनवाए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो अच्छा लगा। इसके लिए देखिए मैं अमिताभ बच्चन को मैं हर साल बर्थडे में जाता हूँ और मैं ये सब मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं खास करके दादा का कहने पर यहाँ आया हूँ और ऐसे में मुझे बहुत लोग मुझे बुलाते हैं, मैं इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में भी मैं जाता हूँ, मैं दुबई मेरा काम दुबई लंदन अमेरिका हर जगह से मेरा काम आता है तो मैं विदेश में भी जाता हूँ, मुझे बड़े बड़े मतलब पैसे वाले हो या डायरेक्टर हो या कोई भी मुझे बुलाते हैं बहुत दूर दूर से, मेरा काम है फिल्मों में जो फिल्मों में देखते फायर का जो गाने में जो फायर होता है या तो सीरियल में जो जादू दिखाते हैं वैसे दिन में काम करते हैं फिल्मों में, वही उसी से मेरा फिल्म बंबई में पहचान है और साथ आपने मुझे सीरियल में भी देखे होंगे और नहीं पहचान पाए, अगर कभी आप सीरियल देखिएगा जिसे शक्ति सीरियल हो गया मन सुंदर है ऐसे बहुत सारे सीरियल है और मैं बता बताऊँ फिल्मों में शाहरुख खान का जीरो पिक्चर सत्यमेव जयते इब्राहिम का ब्रह्मास्त्र पिक्चर अमिताभ बच्चन जी का जो पिक्चर है आगरा भट्ट और अमृता भट्ट उस पिक्चर में मुझे मेरा अच्छा रोल मिलने वाला था मगर मैं कोरोना का भी कोरोना उस टाइम चले तो मैं पहुंच नहीं पाया मैं उसमें थोड़ा सा मैं काम किया ब्रह्मास्त्र में तो चलिए मैं दादा के लिए मैं आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हो लगा आपने आप बहुत अच्छा काम किया, जरा हमारे दादा के लिए जो भी पानी बजाइए ये झारखंड में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू धन्यवाद। तूफान মহিলা ঢাকি দেখে বলবো আপনারা একবার কষ্ট করে ওখানে যান তারপরে যদি খাবার খেতে বসে নেয় তাহলে ওখানে যান আমাদের মন্ত্রী জয় আসছে।